हेलो एवरीवन, वेलकम टू राधेस किचन। आज हम बनाएंगे ड्रमस्टिक और आलू की सब्ज़ी। ये सब्ज़ी आज मेरी मम्मी बनाएंगी। यहाँ पे 3 ड्रमस्टिक को ऐसे कट करके लिया है और 2 मीडियम साइज़ के आलू को हमें इस तरह से कट करके लेना है और इसे पानी में भिगो के रखना है। अब हम ड्रमस्टिक को बॉईल करेंगे। यहाँ पे मेरे पास थोड़ी हार्ड वाली ड्रमस्टिक है, इसीलिए हम इसे बॉईल कर रहे हैं, पर अगर आपको जो सॉफ्ट वाली और फ्रेश मिलती है तो आपको इसे बॉईल करने की ज़रूरत नहीं है। तो अब हमने इसे कुकर में डाल दिया है। अब हम इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे, बहुत ज़्यादा पानी भी नहीं डालना है, और इसे हम 2 विसल कर लेंगे। तब 2 विसल हो गई है। अब हम एक कढ़ाई में तेल लेंगे और तेल में 1 छोटी चम्मच जीरा और आधी छोटी चम्मच हींग डालेंगे, और फिर हमने जो आलू काट के रखे थे वो आलू डालेंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अभी हम इसमें कोई मसाले नहीं डालेंगे, इसे ऐसे ही कुक करेंगे। ये आप देख सकते हैं कि 2-3 मिनट के बाद ये ऐसे थोड़ा सा कुक हो गया है। अब हम 1 कप थोड़ी खट्टी वाली छाछ लेंगे और इसमें 3 बड़े चम्मच बेसन डालेंगे। बेसन डालने के बाद इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है। इसमें गुठलियाँ नहीं रहनी चाहिए, इस तरह से हमें इसे मिक्स करना है। ये अब मिक्स हो गया है। इसमें हम आधा छोटा चम्मच हल्दी, 1 चम्मच धनिया जीरे का पाउडर, आधी छोटी चम्मच रेड चिल्ली पाउडर और स्वाद अनुसार नमक डालेंगे, और 1 टीस्पून हम शुगर डालेंगे। शुगर ऑप्शनल है, अगर आप नहीं खाते हैं तो ना डालें। ये छाछ थोड़ी खट्टी है, इसीलिए मैंने इसमें थोड़ी शुगर डाली है। अब इसे हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है। अब इसमें सारे मसाले अच्छे से मिक्स हो गए हैं, अब इसे हम साइड में रख देंगे। अब आलू में हम आधा चम्मच हल्दी, 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, नमक और धनिया जीरा पाउडर डाल देंगे, और इसके बाद हम जो हमारे बॉईल किए हुए ड्रमस्टिक हैं वो डाल देंगे। ड्रमस्टिक को बॉईल करने में जो पानी यूज़ किया था वो पानी को हमें फेंकना नहीं है, और इसे हल्के हाथों से ऐसे मिक्स कर लेना है। अब हम जो ये बचा हुआ पानी है ड्रमस्टिक का वो डाल देंगे। ये पानी बहुत ही हेल्दी होता है, इसे आप कभी भी ना फेंकें। इसे हम 3-4 मिनट ऐसे ही कुक करेंगे, इसे ढक के कुक करने की ज़रूरत नहीं है। अब हम चेक करेंगे कि हमारा जो ड्रमस्टिक है वो सॉफ्ट हो गए हैं या नहीं। इसे ज़्यादा कुक करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, 3-4 मिनट में ये अच्छे से हो जाएंगे सॉफ्ट। ये देखिए, ये आसानी से टूट रहे हैं। तो अब हम हमारे जो बेसन का घोल बनाया है वो डालेंगे इसमें। अब हमें इसे स्लोली मिक्स करना है ताकि हमारे जो आलू और ड्रमस्टिक है वो टूटे ना, और गैस की फ्लेम को हमें इस स्टेज पे बहुत ही स्लो रखना है। अब इसे हम 4-5 मिनट तक ऐसे ही कुक करने रख देंगे। 4-5 मिनट के बाद आप देखेंगे कि इसका ऑयल है वो सेपरेट होने लगा है, और जो हमारा बेसन है वो भी अच्छे से कुक हो गया है। तो बस ये अब हमारी सब्ज़ी ऑलमोस्ट रेडी है। अब हम गैस बंद करके इसे सर्व करेंगे। ये बाउल में मैंने सब्ज़ी को निकाल लिया है, इसमें ज़्यादा तेल भी नहीं पड़ता और ये बहुत ही हेल्दी रहती है। आप इसे चावल या रोटी के साथ सर्व करें। तो रेडी है हमारी ड्रमस्टिक और आलू की सब्ज़ी। ड्रमस्टिक को आप अपने लैंग्वेज में क्या कहते हैं मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।